बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स ओपन योर इंग्लिश लैंग्वेज वर्क बुक पेज नंबर 91। जी हमने यूज़ ऑफ देयर पढ़ा था, आगे आज उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। जी आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम लोग इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जी सिंपल सेंटेंस में आप देखें, कमरे में चार कुर्सियाँ हैं, बाग में एक बिल्ली है। कमरे में चार कुर्सियाँ हैं इसकी है, देयर आर फोर चेयर्स इन दी रूम। नेक्स्ट बाग में बिल्ली है, देर इज़ अ कैट इन दी गार्डन। ये हमारे दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। आप लोग ऊपर हेडिंग देंगे, सिंपल सेंटेंस के नीचे ये दोनों सेंटेंस लिखेंगे। जी आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर आप हेडिंग देंगे, नीचे आप लिखेंगे बाजार में कोई संतरा नहीं है। तो ये देखें, देर इज़ नो ऑरेंज इन दी बाज़ार। जी नेक्स्ट जो है, बर्तन में पानी नहीं था तो आप लोग लिखेंगे देयर वॉज नॉट वाटर इन दी पॉट। ये हमारे दोनों नेगेटिव सेंटेंस हो गए। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें, तस्वीर में एक बिल्ली है तो आप लोग लिखेंगे क्या तस्वीर में एक बिल्ली है, इज़ देयर अ कैट इन दी पिक्चर। जी आगे नेक्स्ट देखें, क्या आसमान पर सितारे हैं तो इसमें आएगा आर देयर स्टार्स इन दी स्काई। ये दोनों हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए हैं। जी सिक्स क्लास से देखें, जैसे मैंने पेज प्रिपेयर किया है ऐसे आप लोग ने पेज प्रिपेयर करना है 17 अप्रैल 2020 क्लास वर्क और डे फ्राइडे। जी ऐसे आप लोग सिंपल सेंटेंस की हेडिंग दे के तो जो है ये दोनों सेंटेंस लिखेंगे, फिर नेगेटिव की दे के फिर ये सेंटेंस लिखेंगे। जी फिर आगे ये सेंटेंस आप लोग लिखेंगे और उसके बाद आगे आप लोग जो हैं वो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की हेडिंग देके तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के दोनों सेंटेंस लिखेंगे। जी ऐसे आप लोगों ने अपना जो है अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है काम को, और इसको आपने लर्न भी करना है और प्रैक्टिस रजिस्टर पे प्रैक्टिस वर्क करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।